कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसक प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, नाबालिग बच्चों को आगे कर सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एडिशनल डीजीपी ने घटनास्थल पर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवी फिर भी बाज नहीं आए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उपद्रवी रात में भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे, रुक रुक कर पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमला कर रहे हैं। एंटी रैपिड फोर्स तैनात होने के बावजूद उपद्रवी छोटी छोटी गलियों से निकलकर बमों से हमला कर रहे हैं। कल भी जैसा कि इन्होंने अघोषित एक मार्च निकाला था, जिसमें पहले से कोई उसकी सूचना नहीं दी थी, और ऐसे रास्ते से निकाला था जो संवेदनशील है। फिर कई स्थानों पर बाबूपुरवा में और उधर फिर रेल बाजार की तरफ से इन्होंने जुलूस निकालना, हर जगह से बड़ी संख्या में लोग नमाज के बाद निकलने लगे। इसमें धारा 144 लागू थी, लेकिन क्योंकि फ्राइडे की नमाज थी तो हम धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 144 में उसको प्रतिबंधित नहीं करते, तो उस छूट का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। छोटे छोटे बच्चों को आगे करके और पीछे से पथराव करते हुए चलना, तो ये कहीं ना कहीं से इसमें साजिश की बू आती है और हम लोग इसका बिल्कुल पर्दाफाश करेंगे। कई लोगों को आज ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं वो भी क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को उत्साहित कर रहे हैं हिंसा फैलाने के लिए, ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसको देखते हुए कई राज्यों में धारा 144 लागू कर दी गई थी, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन कम नहीं हुआ। कानपुर से न्यूज़ के लिए चंद्रकांत तिवारी की रिपोर्ट।